ओम शांति। आज 6 सितंबर 2021 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते। पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती। अपनी मत पर पावन बनने वाले को कोई प्राप्ति नहीं। बाबा की श्रीमत पर पावन बनना और अपनी मन मत पर पावन बनना कोई अंतर है? ब्रह्मचर्य का पालन तो कर ही रहे ना, उससे कुछ नहीं होता। प्रश्न, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो नहीं, अर्थात नाराज ना हो, नाराज ना हो। अगर आपस में लूण पानी होते, लूण पानी होना माना झगड़ना, बात नहीं करते तो डिस सर्विस के निमित्त बन जाते, तो डिस सर्विस के निमित्त बन जाते। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते, उल्टे कर्म करने लग पड़ते, फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती, ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। एडॉप्शन रद्द होना माना जैसे बना था वैसे अलग कर दिया। मैं आपका बच्चा हूं, आप बच्चे नहीं हो, तो मैं नहीं एडॉप्ट करता। तुम मेरा कहना नहीं मानते, तुम मेरे बच्चे। ओम शांति। पतित पावन बाप, जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बैठ समझाते हैं, पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। जो पतित होते हैं वही बुलाएंगे, जो हैं ही पावन वो क्यों बुलाएंगे? उन्हें क्या जरूरत है किसी को बुलाने की? ड्रामा का प्लान भी कहते हैं, रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित, सारे के सारे मनुष्य क्या हो गए हैं? पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत है जो विकार में नहीं जाते दुनिया में, ऐसे बहुत हैं जो विकार में नहीं जाते हैं। ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी हैं, जैसे पादरी, मुल्ला, काजी, बोधि, यानी हर आर्य समाज के जो होते हैं, सभी धर्मों में धर्म प्रचारकों के लिए नियम है कि वो विकार में नहीं जाएंगे, शादी नहीं करेंगे। क्यों क्यों नहीं करेंगे शादी? क्यों उन्होंने ये नियम बनाए? सोचो, क्यों उन्होंने ये नियम बनाए कि शादी नहीं करेंगे? चाहे पांच प्यारे हों, मतलब हर एक में क्यों ऐसा, क्यों उन्होंने नियम बनाया कि वो शादी नहीं करेंगे?
क्योंकि शादी करने के बाद वो कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं और फिर पक्षपात होता है, वो न्याय नहीं कर सकता। पहले पादरी और मुल्ला काजी, इनकी बहुत वैल्यू होती, राजा भी इनके आगे डरते थे, बोला हमारे धर्म आचार्य उनके आगे राजा झुकते थे। क्यों? क्योंकि ये न्याय के लिए, हमारे से गलतियां होती हैं वो तो इनसे गलतियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनका कोई भेदभाव नहीं आ सकता, पक्षपात नहीं कर सकते, इनके लिए सब बराबर है। और जब शादी कर लेते हैं तो मेरा आ जाता है, अब मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी बिरादरी के लिए, मेरी जाति के लिए, फिर वो न्याय नहीं कर सकते। उसे उन सब से उठना बहुत बहुत जरूरी होता। पवित्र रहते हैं, उनको पवित्र किसने बनाया? वो खुद बने, वे खुद बने। दुनिया में बहुत ऐसे धर्म में हैं, धर्मों में हैं जो विकार में नहीं जाते, नंस है बिल्कुल विकार में नहीं जाते, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते, फिर उनको कोई नुकसान होता है? इसलिए वे पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते, पावन दुनिया में जा नहीं सकते। सन्यासी भी पांच विकारों को छोड़ देते हैं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? पतित पावन परम पिता परम आत्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती, पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकते, यहां तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं, पावन बनने की श्रीमत देते हैं। सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया, निर्विकारी दुनिया। इससे सिद्ध है सतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे, वो है निर्विकारी दुनिया। तो वहां ये जरूरी है कि वहां जो भी आएंगे वो सब कैसे होंगे? निर्विकारी होंगे, पवित्र होंगे। सतयुग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र हैं, इस रावण राज्य में ही सब सब वंडरफुल बात है, 1 2 4 5 6 नहीं, सब पतित होते, रावण राज्य में है ही सब पतित। कृष्ण की आत्मा भी क्या बन जाती है? पतित, तो सारे ही बन जाते। पुनर्जन्म तो लेना ही है, सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं परंतु विकार से नहीं, सतयुग में भी पुनर्जन्म होता है परंतु विकार से नहीं, वे है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहां कैसी दुनिया है? संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भल त्रेता में दो कलाएं कम होती हैं परंतु विकारी नहीं कहेंगे, परंतु विकारी नहीं कहेंगे। भगवान श्री राम, भगवती श्री सीता कहते हैं ना 16 कला फिर 14 कला कहा जाता है सतयुग में, आदि में 16 कला फिर त्रेता में 14 कला कहा जाता है। चंद्रमा को भी ऐसे होता है ना, चंद्रमा का भी ऐसे होता है ना। तो इससे सिद्ध होता है जब तक पतित पावन बाप आकर पावन ना बनाए तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। बाप ही गाइड है, इस दुनिया में पवित्र तो बहुत है, सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पावन बनाने वाला निराकार
परम पिता परम आत्मा, परम पिता परम आत्मा है। वे तो आप पे ही अपनी मत पर पवित्र बनते हैं, तुम बाप द्वारा पवित्र बनते हो। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। क्या अंतर है हमारे पवित्र बनने में और उन सब के पवित्र बनने? हमें बाप कह रहा है, उन्होंने अपने आप पवित्रता धारण कर ली, क्या फर्क पड़ गया? वो छोड़ो, बनने में क्या फर्क है, पवित्रता में क्या फर्क है? क्या पवित्रता में फर्क क्या है? मतलब बोलो, ठीक है, वो भी खान पान की शुद्धता रखते हैं, वो भी खान पान की शुद्धता रखते हैं, और हम आत्मा समझ कर पवित्र बनते हैं, वो देह को पवित्र बनाए। ये बात का बड़ा अंतर है। ये बाप ही आके समझा सकता था और कोई समझा नहीं सकता। हम अपने आप को आत्मा समझ के हम आत्मा को पवित्र बनाते हैं, वो केवल देह की पवित्रता शुद्धता पर जोर दे। हमारे दोनों में ये सबसे बड़ा अंतर। हम आत्मा है ये हमें पता है ना, वो तो देह को नहलाते रहेंगे, धुलाते रहेंगे, है नहीं, देह के लिए शुद्ध खाना खिलाएंगे, देह के कपड़े साफ सुफ। हम इनके साथ साथ हम ये अपने आप को समझते कि हम आत्मा हैं, हमने मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही प्रकार से पवित्र बनना है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, काम तुम्हारा महा दुश्मन है, इन पर जीत पहनो, गिरते भी इसमें है। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुंह कर लिया। काम के लिए लिखते हैं, हमने काला मुंह कर दिया, गिर गया। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं। ड्रामा अनुसार जिनको आकर ब्राह्मण बनना है, वे आते जाएंगे, और सत्संगों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं, और कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं। शिवानंद आदि के फॉलोवर्स तो बहुत हैं। शिवानंद उस समय हुआ, एक जन्मानंद थे, एक शिवानंद थे, आदि के फॉलोवर्स तो बहुत हैं, परंतु उनमें भी कोई कोई संन्यास लेते हैं, बाकी सारे सन्यासी नहीं लेते, बाकी तो सारे गृहस्थ में रहते हैं। गुरु बनाते हैं जितने भी दुनिया में, कोई कोई उनके पास सन्यास को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज बाकी तो सारे अपने घर गृहस्थ परिवार में रहते हैं। गृहस्थी तो लेते ही नहीं, बाकी घर बार छोड़ने वाले बहुत थोड़े निकल पड़ते हैं, सन्यासी बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म उनको कहां लेना है? विकारियों को, सन्यासियों को, विकारियों के पास लेना है। शिवानंद के लिए थोड़े ही कहेंगे कि ज्योति ज्योत में समाया, तुम समझते हो तो सर्व का सदगति दाता बाप ही है, वही गाइड है। गाइड बिगर कोई जा नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाप बाप भी है, नॉलेजफुल भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बीज को ही होगी ना। फादर तो सब कहते हैं ना,
गॉड फादर तो सब कहते हैं ना, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है, तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा ना। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने जीव जंतु हैं, वहां मनुष्य थोड़े होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते, सतयुग में जीव जंतु भी थोड़े होते हैं, मनुष्य भी थोड़े होते। सतयुग में ऐसी कीचड़ पट्टी होती ही, यहां तो अनेक प्रकार की बीमारियां आदि कितनी निकलती रहती हैं, जिसके लिए फिर नई दवाइयां निकलती रहती हैं, बीमारियां भी आती रहती हैं और बीमारियों के लिए नई नई दवाइयां भी बनती रहती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकलते रहते हैं, वे सब हैं मनुष्य के हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाप के लिए कहते हैं, हे पतित पावन, आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ, शरीर भी पावन। कहते हैं पतित पावन दुख हरता सुख करता, एक को ही बुलाते हैं ना, सारी दुनिया बुला रही है हे दुख हरता सुख करता पतित पावन, एक को ही बुलाते हैं ना। अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं, मनुष्य मरने पर भी होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं। मरने वाले होंगे ना, सारे कहेंगे भी भगवान को याद, समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा, दूसरा कोई सहारा नहीं देगा, गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर गॉड है, गॉड तो सबका एक ही होगा, एक होगा ना। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है, मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है, हमें पता है मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है। कलयुग मृत्यु लोक है, सत्युग अमर लोक है। दुनिया में कोई नहीं जानते, वो तो स्वर्ग नर्क सब यहां ही है, जो सुखी है वो स्वर्ग में, जो दुखी है वो नर्क। कोई कोई समझते हैं सतयुग था, देवताओं का राज्य था, अभी तक भी कितने नए नए मंदिर बनते रहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापस अपने घर ले नहीं जा सकते, ले नहीं जा सकते। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं, बाप हमको वापस ले जाने के लायक बना रहे हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए, ये स्मृति में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम इतने इतने जन्म लिए हैं, अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है। अभी है, अभी क्या है, संगम युग। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, विराट रूप किसका, कृष्ण का बनाया है, दिखाया है महाभारत में गीता में, उसमें विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानी है, मनुष्य तो मनुष्य ही है। खालसे जानते हो, खालसे सरदार में सा पवित्र, खालसा माना पवित्र, मतलब जो सरदार पवित्र रहते हैं, जो पंज प्यारे हैं उनको खालसा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की, आज तो पंज प्यारे भी शादी करके, समझे, हाँ कलयुग,
तो उनको वो खालसा कहते हैं। दूसरा मुसलमान, बाबा ने शब्द यूज किया खालसे मुसलमान, जो परमात्मा की आज्ञा को मानता। आदि ऐसे बन जाते हैं जो तुमको मालूम भी ना पड़े कौन। बाकी चीनी है, अफ्रीकन है, उनका मालूम पड़ जाता है, उन्होंने की शक्ल ही अलग है। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है तो ये सीखे हैं कितनी वैरायटी है धर्मों की, और उनके रस्म रिवाज पैर वाई सब अलग। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, वहां और कोई धर्म नहीं था, वहां और कोई धर्म नहीं था। अभी तो सब वैरायटी धर्म हाजिर है, अभी तो सब वैरायटी धर्म हाजिर हैं। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे। हाँ, नई आत्माएं पावन होती हैं, इसलिए जो नई आत्मा आती है तो कुछ ना कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले जरूर सुख मिलेगा, महिमा होगी, फिर दुख भी होगा। है ही एक जन्म। जैसे तुम सुखधाम में रहते हो, वे फिर शांति धाम में बहुत रहते, अंत तक वृद्धि बहुत होती रहती। झाड़ बड़ा है ना, इस समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं, परंतु इससे कुछ हो नहीं सकता। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी ही है, जरूर होनी है, क्योंकि सारी आत्माएं आएंगी, नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टालियां आदि निकलती रहेंगी, कितनी वैरायटी है। आप बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में, बाप ही हमको पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनको ही बुलाते हो, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी, जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी, ये भी हिसाब है। सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। तुम बच्चों को समझानी भी देनी है, बाप हमको पढ़ाते हैं, इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है, इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है। स्थापना बाप ही करेंगे, स्थापना कौन करेगा, बाप ही करेंगे। भगवानुवाच, मैं स्थापना कराता हूँ, विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। भारत में ही चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली, देखो कितने हैं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली, देखो कितने हैं। वो दुनिया वाले हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, वे तो बाप को जानते, जो कुख वंशावली ब्राह्मण है वो बाप को जानते ही। तुमको अब हौसला आया है, तुमको अब क्या है, हौसला आया है, तुम जानते हो अब कलयुग विनाश हो, सतयुग आना है। ये है ही राजस्वे अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। यह है राजस्वे अश्वमेघ अविनाश।
अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इसमें आहुति पढ़नी है पुरानी दुनिया की, दूसरी तो कोई आहुति है नहीं, यहां तो सारी आहुति पढ़नी है। बाप कहते हैं मैंने सारी सृष्टि पर ये राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा है। कहां रचा है? सारी सृष्टि पर रचा है, सारी भूमि पर रचा हुआ है। यज्ञ कुंड होता है ना, वो यज्ञ करते तो एक कुंड बनाते हैं ना, इसमें तो सारी दुनिया स्वाह हो जाएगी। इस यज्ञ कुंड में इतना बड़ा कुंड है जो सारी दुनिया इसमें क्या हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ कुंड बनाते हैं, ये सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है, इस यज्ञ कुंड में क्या होगा, सब इसमें खलास हो जाएंगे, सब इसमें खलास हो जाएंगे। ये कुंड पवित्र नया हो जाएगा, इसमें फिर देवताएं आएंगे, यही धरती फिर क्या बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। फिर धरती पर देवताएं आएंगे, समुद्र चारों ओर है ही, सारी दुनिया नई हो जाएगी। उत्थल पाथल तो बहुत होगा धरती में, ऊपर नीचे परिवर्तन तो बहुत होगा, ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसकी ना हो, कोई ना कोई जगह का क्या है, मालिक है। सब कहते हैं ये मेरी है, अब मेरी मेरी करने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूं वे थोड़े सारी दुनिया में रहेंगे, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, जमुना नदी के कंठे पर उनका राज्य होगा। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, बैठनी, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं ना, ये भी सत्य नारायण की कहानी है, ये है बेहद की, तुम्हारी बुद्धि में ही ये बातें हैं। उनमें भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है। झोली भरेगी, दान देते रहेंगे, इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना खुटे, धन दिए धन ना खुटे। समझते हैं धन देने दान देने से बरकत बढ़ेगी, तुम्हारा तो अविनाशी धन, अभी धन दिए धन ना खुटे, जितना दान देंगे उतना ही खुशी होगी। सुनते समय कोई कोई का कांध जैसे झूलता रहेगा, क्लास में बैठे होंगे ना, कोई बात समझ में आती जाएगी तो सिर क्या करेगा, हिलता रहेगा, नहीं तो बस बुद्धि अटक गई, कहीं चले गए शरीर से, वहां बैठे हैं तवाई माफिक। बाबा क्या कहते, कोई तो तवाई माफिक बैठे, पता ही नहीं क्या है, उसके आगे हाथ भी करो तो पता नहीं क्या, इतना सुन ही नहीं रहे, अंदर जा ही नहीं रही है बात। बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं तो सुनते समय ऑटोमेटिक कांध हिलेगा। यहां बच्चे आते हैं सन्मुख बाप से रिफ्रेश होने, बाप कैसे बैठ युक्ति से पॉइंट सुनाते हैं तुम जानते हो। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नरक है, नरक बदल स्वर्ग होगा, कब होगा स्वर्ग होगा, कब होगा, जब बाकी सब इतने सब का विनाश हो जाए। तुम कहें तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है,
कल हम स्वर्ग में थे, आज यहां आ गए, कल हम फिर स्वर्ग में। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है। कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह ना सके। कहते भी है क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। कितने वर्ष पहले? क्राइस्ट से कितने साल पहले पैराडाइज था? 3000 साल पहले। तब कोई दूसरा धर्म ही नहीं था। द्वापर से सारे धर्म आते हैं। बड़ी सहज बात, बड़ी सहज बात है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस तरफ है ही नहीं जो समझ सके। बुलाते भी है पतित पावन आओ, तो आकर जरूर पतित से पावन बनाएंगे। यहां तो कोई पावन हो ना सके। सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, अभी तो है विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया। मुख्य बात है पवित्रता की। इसके लिए तुमको इतनी मेहनत, तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती, इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम जानते हो। आज दिन तक जो भी पास्ट हुआ वे ड्रामा अनुसार ही कहे। जो कुछ हुआ, सब कुछ क्या हुआ? ड्रामा अनुसार ही कहे। इसमें हम किसको बुरा भला नहीं कह सकते, ना बुरा कह सकते हैं और ना भला कह सकते। जो कुछ होता है ड्रामा में नूर है। बाप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिस सर्विस हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस सर्विस हो जाती है। बाप ही तो बताएंगे ना। तुम आपस में लून पानी हो गए हो, समझते हैं हम लून पानी है, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते। इतना लून पानी हो जाते, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ पड़ते। शिव बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है कि हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है। क्या हो जाती है? परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते हैं। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ जाते हैं। शिव बाबा से भी क्या करते हैं? ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, इनसे भी रूठते हैं, ब्रह्मा बाबा से भी रूठ जाते हैं। फिर भी क्लास में भी नहीं आते। पढ़ लो मुरली अपने आप, फिर क्लास में भी शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए। शिव बाबा से कभी नहीं रूठना चाहिए ना। उनकी मुरली तो पढ़नी है, याद भी उनको करना है, श्रीमत भी उनकी पर चलना है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो सदगति होगी। क्या होगी? सदगति होगी। दे अभिमान में आने से, देहधारियों से, देव अभिमान में आए फिर देहधारियों से रूठ पड़ते। वर्षा तो दादे से मिलेगा। बाप के बने तब दादे का वर्षा। जब तक बाप के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ना बने तो दादे से वर्षा नहीं मिल सकती। बाप कोई फारकती दे दी,
तो वर्षा कैसे मिलेगा? ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म, एडॉप्शन रद्द हो जाती है। फिर भी समझते नहीं, माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना दी। क्लास में बैठे हुए तवाई, बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए परंतु याद करते नहीं, याद करते ही नहीं। शिव बाबा का बच्चा हूं जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जरूर भारत में ही जन्म लेते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचेंगे। तुम जानते हो हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं नई दुनिया के लिए। कौन सी दुनिया के लिए? नई दुनिया के लिए। राज योग सिखलाते हैं, तुम जाकर जरूर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। कभी भी आपस में बिगड़ कर लून पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है। तवाई नहीं बनना। क्या नहीं बनना है? तवाई नहीं बनना है। वरदान, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भाव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त ये स्वतः स्मृति में आ जाता है। बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा याद आएगा तो अपने आप को क्या समझेंगे कि मैं निमित्त, ये स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है, हम पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना है, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1%, पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकते। संकल्प में पाप का संकल्प नहीं कर, पाप करना तो दूर, पाप का 1% संकल्प भी। मास्टर शिक्षक माना, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान, बाप समान। स्लोगन है, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
विश्व में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।